मित्रों, हम अपनी डेली लाइफ में रोज कुछ ऐसी खाने पीने की चीज इस्तेमाल करते हैं जिनमें कुछ हमारे लिए हेल्दी होती है, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक साबित हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं और किसी किसी केस में हमारे लिए मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में जिनसे आपको बचना चाहिए, जो आपके लिए जहरीली है, टॉक्सिक है। नंबर 1 पर है ग्रीन पोटैटो यानी हरा आलू, जिससे आपको बचना चाहिए। जो हरा आलू होता है, या तो पूरा हरा होता है या उसका कुछ हिस्सा हरा होता है। इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं जो उसको हरा बना देती है। पहला होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो उसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज होती है सोलेनस। क्लोरोफिल तो कोई हार्मफुल नहीं है आपके लिए, पर दूसरी चीज है सोलेनस। ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो आपके लिए जहर का काम करता है, जिसको खाने से आपको गंभीर बीमारियां हो सकती है। नंबर 2 पर है नटमेग यानी जायफल, जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नटमेग एक ऐसी चीज है जो हम लोग इंडियन किचन में देख सकते हैं, जो खाने में इस्तेमाल होता है। नटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है मिरिस्टिसिन। ये जब हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है तो ऐसा कंपाउंड पैदा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें डिजीनेस, नौजिया, चक्कर आना जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसका ज्यादा सेवन करना भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। नंबर 3 पर है बिटर आलमंड्स यानी कड़वे बादाम। मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड और दूसरे होते हैं बिटर आलमंड। वैसे तो मार्केट में नॉर्मली स्वीट आलमंड ही मिलते हैं, लेकिन जो बिटर आलमंड होते हैं उनके अंदर एक जानलेवा सब्सटेंस पाया जाता है जो होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये सब्सटेंस सबसे खतरनाक पॉइजन के रूप में आता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए आप बादाम खाते वक्त ये देख लें कि अगर वो थोड़ा सा भी कड़वा है तो तुरंत उसे खाना बंद कर दें। नंबर 4 पर है अंडरकुक्ड फैट किडनी बीन्स यानी राजमा। ऐसी राजमा जो पूरी तरह से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है, जो कि हमारे अंदर तरह तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जिसमें आपको वॉमिटिंग, नौजिया और लास्ट में डेथ का सामना करना पड़ सकता है। पूरी तरह से पकी हुई राजमा ही खाएं। नंबर 5 पर आता है ब्राउन राइस। ये एक शौक होगा आपके लिए, मानते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। असल में इनमें एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं आर्सेनिक, जो हमारी बॉडी में कैंसर बनाने का काम करता है। ये एक टॉक्सिक और डेडली सब्सटेंस है। सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है। जब खेती होती है तो उसमें कई तरह के फर्टिलाइजर डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में फर्क ये है कि व्हाइट राइस जो होता है वो ब्राउन राइस के मुकाबले प्रोसेस्ड होता है, जिसमें आर्सेनिक सब्सटेंस निकल जाता है, और ब्राउन राइस में ऐसा होता है। राइस अगर आपको इस्तेमाल करना है, 5 से 6 बार पानी में धोकर तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली अपडेट रहने के लिए।